हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपके चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, और 1 to 16 हम कर चुके थे। 17 ऑनवर्ड्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। बच्चों, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आपके इन क्वेश्चंस को। बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है, जेनी मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो ये हम सभी को पता है, ये है HG यानी मरकरी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन ए मोल्टन स्टेट, यानी इनमें से किसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है। बच्चों, तो ये है आपका Na और C है। बच्चों, आंसर हो गया D। बच्चों आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्टरस, यानी जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम चमकीले होते हैं या फिर नहीं चमकीले नहीं होते हैं। इनमें से वो कौन सा मेटल है जो नॉन मेटल है जो चमकीला होता है। बच्चों, ये सभी को पता है, ये है आयोडीन। बच्चों, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट बाय 3 मेटल्स, यानी इनमें से कौन से वो मेटल हैं जो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है। बच्चों, ठीक है, तो ये है बच्चों Ag यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बच्चों, 2 ml ईच ऑफ कंसनट्रेटेड HCl, HNO3 एंड ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1 वर टेकन इन टेस्ट ट्यूब लेबल्ड ABC। ए स्मॉल पीस ऑफ मेटल वाज पुट इन ईच टेस्ट ट्यूब, नो चेंज अकर इन द टेस्ट ट्यूब A and B, बट द मेटल गॉट डिजॉल्व्ड इन टेस्ट ट्यूब C रेस्पेक्टिवली, द मेटल वुड बी कुड बी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें किसकी बात कर रही है, एक तरह से एक्वारेजिया बनाने की बात हो रही है, तो ये हो गया आपका AU वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, एन अलॉय इज अब एक अलॉय क्या होता है। बच्चों, तो ये एक क्या होता है बच्चों, आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स किस चीज़ से कंसिस्ट होता है। बच्चों, तो ये होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड। ठीक है, तो आंसर हो गया B आपका। बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के तौर के टाइम पे जिंक क्या होता है, कहाँ पे हमें मिलता है, तो डिपॉजिटेड एट कैथोड। बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। बच्चों, एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद ए नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ऑन इन एयर, इट रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी एक एलिमेंट है जो कि चाकू से काटा जा सकता है और हवा में रखने पर बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है। बच्चों, तो ये है आपका सोडियम। बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एलॉय आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विद ए मेटल और नॉन मेटल, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसका आंसर है सीधा सीधा बच्चों D, स्टील। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो मैग्नीशियम मेटल के लिए इनकरेक्ट है। तो अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा कुछ इसका स्टेटमेंट B। बच्चों, इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस नहीं इन्वॉल्व करता बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मरकरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा अलॉय है जो मरकरी को एक एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट अपने साथ रखता है। तो जिंक अमलगम है बच्चों ये, ठीक है, एक लौता ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड, एक्स लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई जेड, यानी यहाँ ये आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है बच्चों। तो ये क्या करेगा, हाई हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड आर, एक्स का 2 और 8 है, वाई का 2 8 7 है और जेड का 2 8 2 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी बात करेक्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे Y इज नॉन मेटल एंड Z इज मेटल, ये बात करेक्ट हो जाएगी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, ऑल दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ये सीधा सीधा है बच्चों आपका Al, एल्यूमिनियम जिसे बोलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर भी सीधा सीधा है बच्चों, ये है ग्रेफाइट बच्चों, अकेलौता ऐसा कंडक्टर है जो नॉन मेटल है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 33 है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। तो यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज होता है बच्चों, पीवीसी मटेरियल यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला। ये भी सिंपल आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज लिक्विड, यानी इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो ये है ब्रोमीन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो ए केमिकल रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। तो ये है बच्चों आपका कौन सा, ये है आपका डी बच्चों आंसर, डी वाला आपका रिएक्शन हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को प्रोसेस को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। तो इसमें आंसर हो गया बच्चों आपका सी। तो बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट होता है आपका पूरा पूरा एग्जाम्पलर का पार्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।